Hello students, but as today we are going to solve a question about NPO. But this is a question number 52 according to 2008 editions and question number 57 according to current edition of T.S. Grewal. But अगर NPO का भी question solve करना है तो first of all उस questions में आपको जो जो स्टेटमेंट्स इन्होंने आपसे पूछे हैं आप फर्स्ट ऑफ ऑल उन स्टेटमेंट्स के फॉर्मेट मेंटेन करोगे। जैसे कि इस क्वेश्चन में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट इन्होंने ये करंट ईयर की आपसे पूछी है, बट क्लोजिंग बैलेंस शीट मेंटेन करने के लिए आपको ओपनिंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी और वो उन्होंने अगर मिसिंग कर रखी है तो देन हमें ओपनिंग बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करनी होगी। इसे हम बैलेंसिंग फिगर से कैपिटल फंड जो ओपनिंग कैपिटल फंड फाइंड करेंगे और उसको क्लोजिंग बैलेंस शीट में पुट अप करके हम क्लोजिंग बैलेंस शीट को भी कंप्लीट करेंगे। तो नाउ अबाउट दिस क्वेश्चन पे हम कंटिन्यू बात करते हैं। नेक्स्ट फर्स्ट स्टेप आप हमेशा ध्यान रखना कि अगर आप क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो और उसमें कोई भी पॉइंट मिस आउट नहीं रहे, कोई भी लेफ्ट नहीं रहे एंड क्वेश्चन परफेक्ट करेक्ट हो, तो उसके लिए आप सबसे पहले काम करो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उन गिवन इन्फॉर्मेशन को आप पहले कंप्लीट करोगे तो देन बेटा उससे जो टच और रिलेटेड पॉइंट आएंगे वो ऑटोमेटिक कनेक्टेड होके हम उन्हें पुट अप करते जाएंगे, ठीक है। और जैसे भी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट होगी देन हम जो हमें और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन गिवन जैसे रिसिपिएंट पेमेंट गिवन है इसमें तो हम उस रिसिपिएंट पेमेंट इन्फॉर्मेशन को यूज करेंगे। तो बेटा मैं इन्फॉर्मेशन से स्टार्ट होता हूं। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें फर्स्ट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2018 ₹1200 एंड 2300 ऑन 31 मार्च 2019। मतलब स्टार्ट ऑफ द ईयर सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग था 1200 और एंड ऑफ द ईयर सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है 2300। तो अगर ये सब्सक्रिप्शन का पॉइंट मिल रहा है तो आप और सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड पॉइंट ढूंढो। तो एक तो ये सब्सक्रिप्शन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इसमें और देन ओनली सब्सक्रिप्शन इन्फॉर्मेशन मिली है रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट में। रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट में रिसिप्ट में लिखा है 2 सब्सक्रिप्शन 40,000। मतलब इस कंप्लीट क्वेश्चन में सब्सक्रिप्शन रिलेटेड 3 इन्फॉर्मेशन है। रिसिप्टेंट पेमेंट में सब्सक्रिप्शन है 40,000, वो क्या शो कर रहा है करंट ईयर 40,000 आया है। एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन में स्टार्ट ऑफ द ईयर सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग था एंड एंड ऑफ द ईयर सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है। तो 3 इन्फॉर्मेशन है जो कैसे यूज करते हैं। तो स्टार्ट ऑफ द ईयर सब्सक्रिप्शन जो आउटस्टैंडिंग था तो वो इनकम कब की थी, लास्ट ईयर की, एंड लास्ट ईयर में रिसीव नहीं होने की वजह से लास्ट ईयर के लिए क्या बना एसेट, तो हमने सबसे पहले इसको ओपनिंग बैलेंस शीट में इसको एसेट्स में रखा है कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 1200, ठीक है। और एंड ऑफ द ईयर करंट ईयर के हमें सब्सक्रिप्शन कितना आउटस्टैंडिंग है 2300, तो बट अपनी करंट ईयर की एसेट है वो, क्योंकि इनकम अगर रिसीव नहीं तो एसेट बनेगी, तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2300, ठीक है। अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में अपना सब्सक्रिप्शन कौन सा आना है, थोड़ा करंट ईयर का आना है। अब रिसिप्ट एंड पेमेंट के अकॉर्डिंग सब्सक्रिप्शन 40,000 आ रखा है तो हमें सबसे पहले 22 सब्सक्रिप्शन हमने क्रेडिट साइड में लिखा 40,000। अब हमें इसे कन्वर्ट करना है इसमें से करंट ईयर का कितना है। अब अगर बेटा लास्ट ईयर सब्सक्रिप्शन अगर आउटस्टैंडिंग था 1200 तो विदाउट इन्फॉर्मेशन हम यही मानेंगे करंट ईयर में रिसीव हुआ है और इसमें ये इंक्लूड है, तो हम इसमें से माइनस कर देंगे बिकॉज ये करंट ईयर का नहीं है। एंड करंट ईयर के एंड में जो हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन 2300 आउटस्टैंडिंग है, तो बड़ा फर्स्ट ऑफ ऑल वो अपने करंट ईयर की इनकम है, उसके बाद वो आउटस्टैंडिंग है तो इसलिए एसेट है। तो इसलिए करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन हमने आउटस्टैंडिंग 2300 इसके अंदर प्लस कर दिया तो देन 41,100 रुपीज का सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन है। मींस ये बात सिंपल थी, आपको भी पता था, मुझे इतना डिटेल में जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये रिसिप्ट एंड पेमेंट तो करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन बता रहा था 40,000, बट हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर में करंट ईयर का लाना, भी करंट ईयर का कितना होगा 41,100, तो इसमें हमने लास्ट ईयर का जो आउटस्टैंडिंग रिसीव हुआ था उसको माइनस कर दिया और करंट ईयर का जो सबसे आउटस्टैंडिंग था वो प्लस कर दिया, क्लियर। नेक्स्ट बड़ा एडिशनल इन्फॉर्मेशन में अगला पॉइंट मिल रहा है हमें कि ओपनिंग स्टॉक ऑफ पोस्टेज स्टाम्प था 300 एंड क्लोजिंग स्टॉक था 200। अब हमें नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन मिली है कि स्टार्ट ऑफ द ईयर पोस्टेज और स्टाम्प का ओपनिंग स्टॉक था एंड एंड ऑफ द ईयर भी इनका क्लोजिंग स्टॉक बचा है। तो मतलब पोस्टेज स्टाम्प मतलब जो ये स्टेशनरी लाइक जो ये यूज होती है मटेरियल, तो हमारे लिए बेटा ड्यूरिंग द ईयर ये कितनी कंज्यूम हुई वही अपने लिए एक्सपेंसेस बनती है और हमने जो पार्टिकुलर वीडियो ली थी उनमें सब बातें मैंने बता रखी है।
तो हमें फाइंड करना है कि करंट ईयर में ये पोस्ट सिस्टम कंज्यूम कितने में उन्हें मैक्सिमम से शो कर देंगे, और अगर ये रिमेनिंग ये हमारे पास बच रहे हैं तो कब बच रहे हैं वो तब की एसेट है। जैसे कि स्टार्ट ऑफ द ईयर पोस्टल सिस्टम का स्टॉक था 300, तो बेटा वो लास्ट ईयर के एंड में बचा था, तो इसलिए ओपनिंग बैलेंस शीट मतलब लास्ट ईयर की बैलेंस शीट है ये, तो इसमें मैंने एसेट्स में लिख दिया कि भाई स्टॉक ऑफ पोस्टेज एंड स्टाम्प 300। क्यों? क्योंकि स्टार्ट ऑफ द ईयर ये क्या था, अपने लिए एसेट था। एंड एंड ऑफ द ईयर जो अपने पोस्टेज स्टाम्प बचे हैं वो अपने लिए क्या हो गया, करंट ईयर की एसेट। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में हमने क्लोजिंग स्टॉक ऑफ पोस्टेज स्टाम्प 200 एसेट में, दोनों जगह मैंने एसेट पर पुट अप कर दिया, ये स्टार्ट में एसेट था 300 और ये एंड में एसेट है 200। बट अब मुझे चाहिए कि करंट ईयर में पोस्ट एंड स्टाम्प कंज्यूम कितने हुए, तो उसके लिए मैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट देखिए पहले ये पता करेंगे बेटा कि क्या पोस्ट एंड स्टाम्प करंट ईयर में परचेज किए गए या कुछ सेल हुए हैं। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट के अंदर हमें पेमेंट साइड में मिल रहा है बाई पोस्टेज 1000 रुपीज। तो अगर पेमेंट साइड में शो हो रहा है कि 1000 रुपीज के पोस्टेज करंट ईयर में परचेज हुए हैं, तो बेटा हमें ये चाहिए परचेज नहीं कंज्यूम कितने हुए। तो कंज्यूम कितने हुए तो उसको फाइंड करने के लिए कि इनकम एक्सपेंसिव एक्सपेंसिव साइड में सबसे पहले हमने लिखा टू पोस्टेज 1000 जो इन्होंने करंट ईयर के अंदर परचेज कर रखे थे। एंड ओपनिंग स्टॉक हमने इसमें कर दिया 8 जो स्टार्ट ऑफ द ईयर था 300 एंड क्लोजिंग स्टॉक कर दिया -200। तो देट बैलेंसिंग फिगर से फाइंड कर लिया कि 1100 के पोस्टेज एंड स्टाम्प कंज्यूम हुए थे और वही अपने करंट ईयर का एक्सपेंसिस था। मतलब स्टार्ट ऑफ द ईयर 300 था स्टॉक और ड्यूरिंग द ईयर 1000 परचेज हुआ, तो टोटल अपने पास पोस्टेज कितने 1300 हुए। एंड क्लोजिंग स्टॉक जो था 200 वो अपने यूज नहीं हुए थे, वो एक्चुअली यूज होंगे तो हमने माइनस कर, इसका मतलब यूज हो चुके हैं कंज्यूम हो चुके कितने 1100 के, तो जिनको हमने एक्सपेंस शो कर दिया। क्लियर? नेक्स्ट इंफॉर्मेशन मिल रही थी रेंट की, कि रेंट 1500 रिलेटेड टू द ईयर एंडेड 31st March 2018 एंड 1500 इज स्टिल अनपेड। मतलब नेक्स्ट इंफॉर्मेशन मिल रही है रेंट की एंड पेमेंट साइड में भी लिखा बाय रेंट 18000। मतलब इस पूरे क्वेश्चन में रेंट रिलेटेड 3 इंफॉर्मेशन है, एक पेमेंट में लिखा 18000 जिसका मीन क्या है कि करंट ईयर में रेंट के लिए पे हुआ 18000, और एक एडिशनल इंफॉर्मेशन मिला कि स्टार्ट ऑफ द ईयर रेंट जो था वो आउटस्टैंडिंग था 1500 एंड एंड ऑफ द ईयर भी इक्वल की रेंट आउटस्टैंडिंग चल रहा 1500। तो नाउ अब इन इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग स्टार्ट ऑफ द ईयर जो रेंट आउटस्टैंडिंग था वो स्टार्ट ऑफ द ईयर की क्या बनी बेटा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लायबिलिटी। तो स्टार्ट ऑफ द ईयर हमने आउटस्टैंडिंग रेंट को लायबिलिटी में बताया ओपनिंग बैलेंस शीट में 1500। एंड नाउ एंड ऑफ द ईयर भी रेंट क्या है, आउटस्टैंडिंग है लायबिलिटी है, तो बेटा क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी आउटस्टैंडिंग रेंट को पुट अप कर दिया लायबिलिटी में 1500। क्लियर? दोनों ही जगह स्टार्ट में कितना आउटस्टैंडिंग वो स्टार्ट की लायबिलिटी और एंड में कितना आउटस्टैंडिंग वो एंड में लायबिलिटी। अब बचा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, तो नाउ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या प्रेजेंट करेंगे, करंट ईयर का रेंट एक्सपेंसेस कितना है करंट ईयर का। तो उसके लिए पेमेंट जो शो कर रहा था कि ड्यूरिंग द ईयर रेंट के लिए पेमेंट वो था 18000, तो सबसे पहले हमने टू रेंट 18000 उसको डेबिट में शो किया, बिकॉज बाहर तो वो अमाउंट डालेंगे जो करंट ईयर का रेंट रिलेट करता है। तो उसके लिए स्टार्ट में जो रेंट आउटस्टैंडिंग था विदाउट इन्फॉर्मेशन यही मानेंगे ड्यूरिंग द ईयर सबसे पहले इसको पे किया गया, तो देन अगर वो पे 18000 के अंदर ये 1500 गया इंक्लूड लास्ट ईयर का, तो मैंने इसको माइनस किया बिकॉज दैट इज नॉट अ करंट ईयर एक्सपेंसेस। एंड करंट ईयर का जो एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग था एंड ऑफ द इन्फॉर्मेशन 1500, थोड़ा एक्सपेंसेस जो करंट ईयर का बलि पे नहीं किया और आपको अच्छे से पता है कि ये करंट ईयर एक्सपेंसेस पिंडल में आएगा, इसलिए मैंने इसको प्लस कर दिया। एंड देन करंट ईयर का रेंट एक्सपेंसेस कितना बन रहा है 18000। इट्स मीन कि करंट ईयर का एक्सपेंसेस जो था वो हमने फाइंड किया कि 18000 ही था, लास्ट ईयर के लिए 1500 ऑप्शन था लाइब्रेरी था उसको पे किया तो हमने माइनस किया, एंड करंट ईयर का ऑप्शन था उसको हमने प्लस करके करंट ईयर का फाइंड किया 18000। और इन दोनों आउटस्टैंडिंग को हमने बैलेंस शीट में दोनों जगह लाइब्रेरी में पुटअप किया, स्टार्ट का लाइब्रेरी में ओपनिंग बैलेंस शीट की लाइब्रेरी में और एंड में जो आउटस्टैंडिंग था उसको क्लोजिंग की लाइब्रेरी में हमने शो किया। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है नेक्स्ट कि ऑन 1st April 2018 द क्लब ऑन फर्नीचर ₹15000 एंड फर्नीचर वैल्यूड एट 22500 ऑन 31st March 2019। मतलब ये बोल रहे हैं कि स्टार्ट ऑफ द ईयर इनके पास फर्नीचर असेट्स में था एक तो कितना 15000 एंड सेकंड इन्फॉर्मेशन बोल रहे हैं
कि एंड ऑफ द ईयर फर्नीचर इनके पास वैल्यूड है 22,500 का, ठीक है। इसमें बात पहले और ढूंढते और फर्नीचर को इन्फॉर्मेशन है क्या, तो नाउ पेमेंट साइड में हमें मिल रहा है इसी पे पेमेंट के पेमेंट साइड में बाय फर्नीचर 10,000। अगर पेमेंट साइड में मिला बाय फर्नीचर 10,000, इसका मीन क्या कि ड्यूरिंग द ईयर फर्नीचर कैश में परचेज हुआ है, हो सकता है सेल भी हुआ होगा, तो वो इन्फॉर्मेशन कहां मिलेगी, रिसीप्ट साइड में, तो रिसीप्ट साइड में ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। इसका मतलब फर्नीचर की हमारे पास तीन इन्फॉर्मेशन मिली है, फर्स्ट स्टार्ट ऑफ द ईयर ये था 15,000 का, सेकेंड ड्यूरिंग द ईयर इसको परचेज किया है 10,000 का, एंड थर्ड ये बोल रहे हैं कि एंड ऑफ द ईयर फर्नीचर रिमेनिंग बचा है 22,500 का। तो बेटा इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ओपनिंग बैलेंस शीट में जो फर्नीचर एसेट्स में था कितना 15,000, इसको ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट में शो किया, ठीक है। तो देन अब एंड ऑफ द ईयर ये कितना बचा, इसमें क्लियर बोल दिया 22,500 का बचा है, तो बट हम भी इसको पहले फाइंड करते हैं कि ये आता है क्या 22,500। तो जो स्टार्ट में था 15,000 एसेट्स में, हमने क्लोजिंग बैलेंस शीट में इसको एसेट्स में पहले अंदर पुट अप किया, फर्नीचर स्टार्ट में 15,000 एसेट्स में था, एंड एड ड्यूरिंग द ईयर फर्नीचर परचेज हुआ ऐसा इंक्रीज हुई थी, तो हमने फर्नीचर में इंक्रीज किया 10,000 प्लस कर दिए जो ड्यूरिंग द ईयर परचेज हुआ था, तो बड़ा 15,000 एंड 10,000 तो टोटल तो था 25,000। इसमें एंड ऑफ द ईयर फर्नीचर बचना चाहिए था 25,000, और ये बोल रहे हैं कि एंड ऑफ द ईयर फर्नीचर बचा 22,500, इसमें जो डिफरेंस चल रहा है कितना 2500 का, ये फर्नीचर कहां गया। अगर भाई दो ऑप्शन थे, या तो सेल किया होगा या टैक्सेशन लगा होगा, अगर ड्यूरिंग द फर्नीचर का सेल किया होता तो बेटा उससे कैश आई होती, एंड देन उस सिचुएशन में हमें इन्फॉर्मेशन रिसीप्ट एंड पेमेंट रिसीप्ट साइड में मिलती, और रिसीप्ट साइड में अगर इन्फॉर्मेशन नहीं है उसका मतलब एक ही ऑप्शन बचा कि फर्नीचर पर टैक्सेशन चार्ज हुआ था 2500 का। तो इसलिए एंड में इन्होंने जो फर्नीचर भराया था वो सीधे ही हम बाहर लिख सकते थे 22,500, और डिफरेंस में बात फाइंड हुई थी कि भी ड्यूरिंग द ईयर टैक्सेशन लगा था इस पर 2500 का, राइट। तो इसलिए फर्नीचर 15,000 जो स्टार्ट में था, प्लस हमने किया 10,000 उसमें जो परचेज, एंड मैंने माइनस किया भाई टैक्सेशन 2500 का, देन इस वजह से ये एंड में बचा था 22,500 का, क्लियर बेटा। और जो टैक्सेशन ने लगाया है वो करंट ईयर के लिए किया है, यस आपको पता है कि वो एक्सपेंसेज है करंट ईयर का, तो इसलिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में भी हमने डाला है 2 टैक्सेशन ऑन फर्नीचर 2500, क्लियर बेटा। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन हमें अवेलेबल हो रही है कि द क्लब हैज अ लोन ऑफ ₹20,000 एट द रेट ऑफ 10% पर एनम व्हिच वाज टेकन इन ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। मतलब ये हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं कि इस एम्प्लॉय ने एक लोन भी ले रखा था, कब, ईयर एंडेड 2018, भाई अपना करंट ईयर चल रहा है 18-19, राइट। और अगर इन्होंने 31 मार्च 2018 के एंड पे अगर लोन ले रखा था तो इसमें बड़ा लास्ट ईयर से लाइब्रेरी चल रहा है, इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ओपनिंग बैलेंस शीट में इस लोन को लाइब्रेरी में दिखाया 20,000 का, राइट। क्यों, ये क्लियर बोल रहा है कि ये 31 मार्च 2018 से लाइब्रेरी चल रहा है, उसी डेट पे लोन ले रखा था, तो हमने सबसे इसको अपनी बैलेंस शीट में लाइब्रेरी में दिखाया। नाउ अब मुझे सेकंड इन्फॉर्मेशन चाहिए कि क्या ड्यूरिंग द ईयर ये लोन पे हुआ, तो अगर लोन पे हुआ वो पेमेंट हुआ होगा तो इन्फॉर्मेशन पेमेंट में अवेलेबल होनी चाहिए, तो पेमेंट साइड में जब हमने देखा तो पेमेंट में से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है, इस मीन ड्यूरिंग द ईयर लोन पे नहीं हुआ है। नेक्स्ट हो सकता है कि ड्यूरिंग द ईयर और लोन ले लिया हो, अगर ड्यूरिंग द ईयर और लोन लिया होगा तो उसे कैश इंक्रीज हुई होगी, तो देन वो इन्फॉर्मेशन रिसीप्ट साइड में अवेलेबल होना चाहिए, तो रिसीप्ट साइड में ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है। इट्स मीन जो स्टार्ट ऑफ द ईयर लोन चल रहा था 20,000 वही ड्यूरिंग द ईयर स्टिल रिमेनिंग अनपे चल रहा है, तो मतलब एंड ऑफ द ईयर भी हमारे लिए लाइब्रेरी चल रहा है, तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी हमने लोन 20,000 से लाइब्रेरी में शो कर दिया, क्लियर। मतलब स्टार्ट में भी 20,000 लाइब्रेरी था, ड्यूरिंग द ईयर बिल्कुल पे नहीं किया, तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी इसको लाइब्रेरी दिखा दिया 20,000। नाउ अब लोन रिलेटेड कोई बड़ा नेक्स्ट एडजस्टमेंट कुछ या कुछ हो सकता है, बिल्कुल इंटरेस्ट का, उन्होंने कहा था कि लोन पे इंटरेस्ट रेट था 10% एंड ड्यूरिंग द ईयर इस लोन का कितना अमाउंट और कितने टाइम हमने यूज किया, तो पूरा 20,000 का अमाउंट एंड ड्यूरिंग द 12 मंथ कंप्लीट हमने इसको यूज किया था, तो मतलब लोन की सर्विस हमने पूरे 12 मंथ मतलब 365 डे ली थी, इसका पूरा जो एक्सपेंसेस बनता है इंटरेस्ट का कितना 20,000 का 10% 2,000 दैट इज द करंट ईयर एक्सपेंसेस, मीन्स अगर इसको करंट ईयर चाहे पे किया चाहे नहीं किया, हर सिचुएशन में या इनकम एक्सपेंसिस में तो आना था, बट पहले पता करते हैं कि क्या ड्यूरिंग द ईयर इंटरेस्ट पे हुआ था लोन पे, तो देन बेटा पेमेंट साइड में इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि बाय इंटरेस्ट 2000, इट्स मीन
ड्यूरिंग द ईयर इंटरेस्ट पे हुआ है 2000 और इंटरेस्ट था कितना करंट ईयर का 2000, इसका मतलब ये कोई आउटस्टैंडिंग नहीं है बट करंट ईयर एक्सपेंसेस 2000 था तो पीएनएल में मतलब इनकम एक्सपेंस में हमने डाल दिया टू इंटरेस्ट 2000 करंट ईयर एक्सपेंसेस क्लियर। और अगर आउटस्टैंडिंग होता तो बड़ा लाइब्रेरी में भी रखते। मीन्स मान लो यहाँ प्रीपेमेंट में मिलता 1800 1800 पे किया बट कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग 20,000 का 20% 2000 होता करंट ईयर का तो देन 200 आउटस्टैंडिंग होता तो 1800 में 200 प्लस करके 2000 करंट ईयर का फाइंड कर लेते एंड देन जो 200 लाइब्रेरी था उसको लाइब्रेरी में शो कर देते। बट यहाँ पूरा 2000 पे कर रखा था कोई आउटस्टैंडिंग नहीं है तो हमने बस एक्सपेंस शो कर दिया 2000। नेक्स्ट कि इनकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो थी वो कंप्लीट हो चुकी है। आप भी बड़ा जो क्वेश्चन सोल्व करोगे सबसे पहले एडिशनल इन्फॉर्मेशन कंप्लीट करोगे तो उससे कनेक्टेड पॉइंट जो होंगे वो ऑटोमेटिक पुटअप होते जाएंगे। अब जैसे एडिशनल इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो गई तो अब इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे पास क्या होगा रिसिप्ट एंड पेमेंट। तो हम रिसिप्ट एंड पेमेंट का एक एक आइटम चेक करते हैं कि कोई अमाउंट अभी भी हमने पुटअप किया या नहीं किया। तो पहले लेते हैं रिसिप्ट साइड। तो बड़ा रिसिप्ट साइड में फर्स्ट इन्फॉर्मेशन मिल रहा है टू कैश इन हैंड ओपनिंग। तो इसका क्या मीन है बेटा कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट मतलब कैश अकाउंट ही तो है, कैश और बैंक का कमाइंड अकाउंट है समरी है। तो स्टार्ट ऑफ देयर कैश इन हैंड था 2600 तो दैट इज द ओपनिंग एसेट्स। तो भाई स्टार्ट ऑफ द ईयर हमारे पास कैश बैलेंस चल रहा था तो हमारे लिए ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट्स बना तो हमने कैश इन हैंड का ओपनिंग बैलेंस शीट में रखा 2600 क्लियर। तो देन एंड ऑफ द ईयर क्या चाहिए कैश का क्लोजिंग बैलेंस चाहिए कि करंट ईयर में कैश का बैलेंस कितना बचा तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बताएगा आपको। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में एंड में जब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्लोज किया तो वहां बैलेंसिंग फिगर से फाइंड किया होना कैश का क्लोजिंग बैलेंस। तो देखो पेमेंट साइड में सबसे लास्ट में बाय कैश इन हैंड क्लोजिंग मतलब एंड ऑफ द ईयर कैश का क्लोजिंग बैलेंस कितना बचा 4000 तो वो एंड ऑफ द ईयर की एसेट है तो हमने क्लोजिंग बैलेंस शीट में कैश इन हैंड 4000 से एसेट शो कर दिया क्लियर बेटा। नेक्स्ट रिसिप्ट एंड पेमेंट में हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही है टू एंट्रेंस फीस 3200 मतलब 3200 का एंट्रेंस फीस ड्यूरिंग द ईयर रिसीव हुआ है। अब हमें डिसीजन लेना है कि हम इसको कहाँ ट्रीट करें। तो बड़ा आपको भी बताया और मैंने अपने पिछले वीडियो में इस पर बात कर चुके हैं कि विदाउट इन्फॉर्मेशन हम एंट्रेंस फीस को एनपीओ की एक रेगुलर रिकरिंग इनकम मान लेंगे एंड अगर ये पार्टिकुलर हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं कि एंट्रेंस फीस को कैपिटलाइज करो तो देन हम उसको लाइब्रेरी में शो कर देते क्लोजिंग बैलेंस शीट में। तो यहाँ इस क्वेश्चन में से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं डाली तो आप बताओ एंट्रेंस फीस के साथ क्या ट्रीटमेंट करें। यस हम इनको करंट ईयर के इनकम शो डाल दी इसलिए तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में हमने इनकम साइड में डाल दी बाय एंट्रेंस फीस 3200 मीन्स हमने इसको करंट ईयर की रिकरिंग इनकम मान ली। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन रिसीव्ड पेमेंट मिल रहा है टू डोनेशन फॉर बिल्डिंग 23000 मतलब ड्यूरिंग द ईयर बिल्डिंग के लिए हमें डोनेशन मिला है। तो आपको पता बड़ा दैट इज अ स्पेसिफाइड डोनेशन मतलब आपको ये इस पैसे का यूज बिल्डिंग बनाने नहीं करना पड़ेगा और अदर यूज आप कर नहीं सकते इसका मतलब ये आपके लिए लाइब्रेरी बन गया। तो इसलिए हमने जाके इसको क्लोजिंग बैलेंस शीट के लाइब्रेरी में रख दिया डोनेशन फॉर बिल्डिंग 23000। हाँ अगर ड्यूरिंग द ईयर इस फंड में से जैसे मान लो 10000 का अमाउंट हम यूज करते बिल्डिंग बनाने में तो उससे हम क्या करते फंड को माइनस कर लेते और हम एक इधर एसेट जनरेट कर लेते बिल्डिंग वर्क इन प्रोग्रेस। बट साथ में यह कैपिटल रिलेटेड फंड था जिसके बारे में पिछले वीडियो में बता चुका हूँ तो कैपिटल रिलेटेड फंड का जितना अमाउंट कैपिटल एसेट्स बनाने में यूज होता है जितनी कैपिटल एसेट्स जनरेट होती है हम उतने से अपना कैपिटल फंड जो इस एनपीओ का एक लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है उसको इंक्रीज करते। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ बस डोनेशन बिल्डिंग के लिए मिला था यूज नहीं हुआ था तो हमने इसको ओनली फॉर लायबिलिटी में रख दिया डोनेशन फॉर बिल्डिंग 23000 लायबिलिटी। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन रिसिप्ट एंड पेमेंट में अवेलेबल हो रही है टू लॉकर रेंट 1200 मतलब ड्यूरिंग द ईयर इस एनपीओ ने अपने मेंबर्स को या किसी को जो लॉकर अवेलेबल कराए होंगे उनका रेंट चार्ज किया तो जो एनपीओ के लिए क्या बनी इनकम बनी राइट। अब ये रिकरिंग इनकम है या कैपिटल इनकम तो आपको पता पड़ा कि रिकरिंग इनकम है या आवरी ईयर जनरेट होने वाली है तो हमने इसका सीधा अमाउंट लाके पुटअप कर दिया इनकम इनकम साइड में बाय लॉकर रेंट 1200 क्योंकि अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन में तो आउटस्टैंडिंग प्रीपेड का लफड़ा है नहीं तो हमने तब तक एडिशनल इन्फॉर्मेशन ले चुके हैं तो इसलिए अब हमें जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है करंट ईयर की मिल रही है सीधा पुटअप कर रहे हैं लाके। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन लाइफ मेंबरशिप फीस 7000 मतलब ड्यूरिंग द ईयर इनको कोई मेंबर या कुछ मेंबर्स होंगे जिन्होंने अपनी होल लाइफ की मेंबरशिप का पे एक साथ कर दिया
तो हम इससे बात कर चुके हैं कि बेटा ये रेवेन्यू इनकम बनेगी कैपिटल इनकम, क्योंकि बेटा ये मोर देन वन ईयर के लिए एक साथ अमाउंट मिल रखा है। इसका मतलब ये कौन सी कभी कैपिटल शिप होगी, तो हमने इसको क्लोजिंग बैलेंस शीट पे लाके लायबिलिटी रख दिया, लाइफ मेंबरशिप फीस 7000 रखा। आपको भी अच्छे से पता है कि ओनली करंट ईयर रिलेट नहीं कर रही है, इसलिए कैपिटल रिसीट बनी, तो हमने इसको लायबिलिटी में शो कर दिया 7000। नेक्स्ट प्रॉफिट फ्रॉम एंटरटेनमेंट 3000 मीन्स इस एनपीओ में ड्यूरिंग द ईयर कोई एंटरटेनमेंट एक्टिविटीज, कोई शोज ऐसे ऑर्गेनाइज हुए होंगे, तो उनसे इनको कुछ इनकम या कुछ प्रॉफिट जनरेट हुआ है। तो अगर इनसे प्रॉफिट जनरेट हुआ है तो ये इनके लिए क्या बन जाएगी रेवेन्यू इनकम्स, एक रिकरिंग नेचर की इनकम जो ये कभी भी और हर साल मेंटेन कर सकते हैं। इसलिए इस अमाउंट को हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर में पुट अप कर दिया बाय प्रॉफिट फ्रॉम एंटरटेनमेंट, बिकॉज ये करंट ईयर के लिए इनकम बन जाएगा। नेक्स्ट सब्सक्रिप्शन जो हम कंप्लीट यूज कर चुके हैं सब्सक्रिप्शन का पॉइंट। उसके बाद पेमेंट साइड में फर्स्ट इन्फॉर्मेशन मिली रेंट भी हमने एडिशनल इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग था, तो रेंट हमने सबसे पहले क्लियर कर लिया था। उसके बाद वेजेज का हमने कोई एडजस्टमेंट नहीं किया, तो वेजेज पेमेंट साइड में, तो वेजेज के लिए क्या आप थोट लगा सकते हो, यस दैट इज द रिकरिंग एक्सपेंसेज, रेवेन्यू एक्सपेंसेज है, इनका रूटीन के एक्सपेंसेज है, तो वेजेज को हमने एक्सपेंसेज में लाके डाल दिया 2 वेजेज 7000। जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन कुछ है नहीं इनकी आउटरीच स्टडी की प्रिपेयर की, बस ये करंट ईयर की इन्फॉर्मेशन लाके पुटअप कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट है बाय बिलर टेबल, तो अगर पेमेंट साइड में अमाउंट मिला बाय बिलर टेबल कितना 14000, जिसका मीन क्या हुआ कि ड्यूरिंग द ईयर इन्होंने बिलर टेबल वो जो गेम खेलने की होती है उन्होंने परचेज की है, तो बड़ा दैट इज एसेट्स या इनके लिए एसेट है, क्योंकि कोई रिकरिंग एक्सपेंसेस थोड़ी जिसको हम यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करें, इसे एक एसेट जनरेट हुई, यहाँ जाते समय डाशन शो कर सकते हैं, वो भी कब जगह इन्फॉर्मेशन में बोलते हैं। तो अगर बिल एंड टर्बल ड्यूरिंग परचेज हुई है तो इनके लिए एसेट जनरेट हुई है, तो लाके हमने क्लोजिंग बैलेंस शीट में बिल एंड टर्बल को एसेट में शो कर दिया 14000, क्योंकि ड्यूरिंग द ईयर परचेज हुई थी, स्टार्ट में नहीं थी हमारे पास, होती तो ओपनिंग बैलेंस शीट में भी एसेट्स बताते। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन फर्नीचर का 10000 का, तो वो पॉइंट जब हमने फर्नीचर का पॉइंट लिया था कि ड्यूरिंग द ईयर फर्नीचर 10000 परचेज हुआ था, तो हमने क्लोजिंग बैलेंस शीट में इसको ऐड कर दिया था। नेक्स्ट पोस्टेज, ये भी पॉइंट अपने हो चुका था कि भाई 1000 के पोस्टेज जो परचेज किए थे, फिर हमने ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक एडजस्ट करके कंज्यूम फाइंड किया था पोस्टेज का। नेक्स्ट सैलरी 24000, मतलब ड्यूरिंग द ईयर सैलरी पे हुई है, तो आपको अच्छे से पता है कि सैलरी क्या है, इनका रेवेन्यू और रिकरिंग एक्सपेंसेज है, तो लाके पीएनएल में डायरेक्टली पुट अप कर दिया 2 सैलरी 24000 और आउटस्टैंडिंग प्रीपेड का इन्फॉर्मेशन नहीं है। नेक्स्ट बाय कैश इन एंड कैश क्लोजिंग बैलेंस, तो क्लोजिंग बैलेंस क्या था, क्लोजिंग एसेट्स, तो जाके हमने क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट में पहले इसको पुट अप कर दिया था। तो बड़ा ये इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हुई, तो देन अब इनकम एक्सपेंडिचर ओपनिंग बैलेंस शीट क्लोजिंग बैलेंस शीट, अपने तीन फॉर्मेट चल रहे थे, तो हमने इसमें से ओपनिंग बैलेंस शीट क्यों मेंटेन की थी कि स्टार्ट ऑफ द कैपिटल फंड फाइंड करने के लिए, तो हमने ऑल एसेट्स ऑल लाइब्रेरीज जो गिवन थी इस क्वेश्चन में उनको पुट अप करने के बाद देखा, तो लाइब्रेरी साइड का टोटल आ रहा था 21500 एंड एसेट साइड का टोटल कम आ रहा था। इट मीन आपने अभी तक जितना भी क्वेश्चन किए होंगे उस क्वेश्चन में आपके एनी टाइम एसेट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा था एंड लाइब्रेरी साइड का कम आ रहा था, हम तो बैलेंसिंग फिगर से क्या मान रहे थे कैपिटल फंड, क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि एसेट और लाइब्रेरी की बहुत सारी टोटल क्या आती है, इक्वल आती है, तो अगर एसेट्स और लाइब्रेरी की टोटल इक्वल आती है और अगर क्वेश्चंस में आपके इक्वल नहीं आ रही, तो सीधी सिंपल सी बात है कि भाई कोई अमाउंट है जो मिसिंग है, डिफरेंस ऑफ अमाउंट फाइंड होता है। तो नॉर्मली या रेगुलरली आपने जितने भी क्वेश्चन किए होंगे तो उसमें आपके एसेट का टोटल ज्यादा आता था, तो वही टोटल लाइब्रेरी पुट अप करके बैलेंसिंग फिगर से कैपिटल फंड फाइंड हो जाता था ओपनिंग में, स्टार्ट ऑफ द जितना कैपिटल था इनका। बट इस क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन में एसेट साइड का टोटल ज्यादा है, एसेट साइड का टोटल आया 21500, ठीक है, सॉरी लाइब्रेरी साइड का टोटल 21500, जबकि एसेट साइड का टोटल उतना नहीं है, तो इसलिए बैलेंसिंग फिगर से जो फाइंड हुई बात 2400 का जो डिफरेंस आ रहा है एसेट साइड में, ये बेटा इनका नेगेटिव कैपिटल बैलेंस है, मतलब कि इनके जो कैपिटल फंड था जिसका क्रेडिट बैलेंस होना चाहिए था वो डेबिट बैलेंस चल रहा है। अब इसका रीजन कि या तो उनके लास्ट ईयर से या उससे लास्ट ईयर में डेफिसिट चल रहा है, आपको पता है कि आप सरप्लस तो कैपिटल फंड में प्लस करते हो, डेफिसिट माइनस करते हो, अब डेफिसिट का अमाउंट इतना हो रहा है कि कैपिटल फंड में से डेफिसिट माइनस करके रिजल्ट नेगेटिव आ रहा है, तो बड़ा इसको कहते हैं डेफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, मतलब कैपिटल की कमी चल रही है इनके, मतलब
ये एनपीओ लोन पे या एक्सटर्नल लाइबिलिटी अमाउंट पे चल रहा है, तो ये जो डिफरेंस फाइंड हुआ है 2400 का, मतलब इतनी इनके कैपिटल फंड की डेफिशिएंसी चल रही है, कमी चल रही है, जिसको कहते हैं नेगेटिव कैपिटल, माइनस में चल रहा है इनका कैपिटल अमाउंट, जो किस वजह से इन कंटिन्यू लॉसेस चल रही होगी या एक्सटर्नल लाइबिलिटी या लोन ये ज्यादा ले रहे हैं, इस वजह से इनके कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस जो चल रहा है वो नेगेटिव चल रहा है, डेबिट बैलेंस बोलते हैं बेटा इसको कैपिटल का। हाँ, अगर ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट होगा तो ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, बट अपने डेबिट बैलेंस फाइंड हुआ कैपिटल का, तो इसीलिए क्लोजिंग बैलेंस शीट में हमने इसको एसेट साइड में पुट अप किया है कि ओपनिंग डेफिसिट ऑफ कैपिटल 2400। समझ में आया बेटा कि अगर ओपनिंग बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड का टोटल अगर एक्सेस आ गया तो इसका मतलब डिफरेंस से आपको फाइंड हो रहा है डेफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, कि कितनी कैपिटल की कमी चल रही है, जिसको जो एक्चुअल है क्या, दैट इज अ डेबिट बैलेंस ऑफ कैपिटल फंड। और बैलेंस शीट का मतलब क्या है, लिस्ट ऑफ क्रेडिट बैलेंस और लिस्ट ऑफ डेबिट बैलेंस, और अगर कैपिटल का डेबिट बैलेंस चल रहा है तो हमने उसको डेबिट बैलेंस की लिस्ट मींस एसेट साइड में पुट अप किया कि ओपनिंग डेफिसिट ऑफ कैपिटल फंड 2400। एंड अब ड्यूरिंग द ईयर आपको इस एनपीओ से रेवेन्यू इनकम और रेवेन्यू एक्सपेंस से सरप्लस जनरेट हुआ है या डेफिसिट, वो पहले फाइंड करो और वो आके इस कैपिटल फंड में एडजस्ट करो। तो देन जब हमने इनकम और एक्सपेंस बनाया तो इसकी भी डेबिट साइड की टोटल आ रही है 54,600, मतलब डेबिट साइड का टोटल एक्सेस आ रहा है, और यही टोटल हमने क्रेडिट साइड पुट अप किया तो इनके 6,100 मतलब 6,100 का डेफिसिट आ रहा है, जिसको हम कह सकते हैं एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर और इनकम, मतलब ड्यूरिंग द ईयर भी इनके जितने एक्सपेंसेस हुए हैं इनकम उससे कम है, या जितनी इनको रेवेन्यू इनकम मिली है उससे ज्यादा इन्होंने रेवेन्यू एक्सपेंसेस मेंटेन किए हैं। इस वजह से मतलब कितना एक्सपेंसेस इन्होंने ज्यादा मेंटेन कर दिया, 6,100 के, मतलब 6,100 के रेवेन्यू एक्सपेंसेस इन्होंने ज्यादा पे किए हैं, तो यही इनके लिए डेफिसिट बन रहा है, और डेफिसिट का मतलब लॉस। तो इस डेफिसिट से ऑलरेडी स्टार्ट ऑफ द ईयर इनकी कैपिटल नेगेटिव चल रही है, एंड ड्यूरिंग द ईयर इनको क्या हुआ, डेफिसिट हुआ है, तो मतलब कैपिटल का नेगेटिव बैलेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इसीलिए एसेट साइड के अंदर जो कैपिटल का जो डेफिशिएंसी था 2400, हमने उस पर ड्यूरिंग द ईयर की डेफिशिएंसी 6,100 प्लस कर दी, तो देन दैट इज ए क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल फंड जो डेफिशिएंसी में चल रहा है, माइनस में चल रहा है 8,500, इनको यहां पुट अप किया है। हाँ, नेक्स्ट ईयर अगर सरप्लस होगा तो देन ये कन्वर्ट हो सकता है पॉजिटिव में। मीन्स बेटा ध्यान रखना कि कैपिटल का नेगेटिव बैलेंस भी आ सकता है, अगर आया हो नेगेटिव बैलेंस, मीन्स जब लाइब्रेरी का टोटल ज्यादा आया हो, मतलब या तो इनमें लॉसेस चल रही है या इस एनपीओ में लॉन या एक्सटर्नल लाइब्रेरी का पैसा ही ज्यादा चल रहा है, उसी पे एनपीओ चल रहा है, तो उसको क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट में पुटअप किया, एंड ड्यूरिंग द ईयर का सरप्लस पर डेफिसिट इसके अंदर एडजस्ट किया तो क्लोजिंग बैलेंस फाइंड हुआ, तो देन फिर अपने क्लोजिंग बैलेंस शीट की टोटल 51,500 बनता है। ये था बड़ा क्वेश्चन, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम अदर क्वेश्चन पे बात करेंगे।